रॉकेप सीजन 1 रूट वर्ड का तांडव एपिसोड 51। डियर स्टूडेंट्स, आज का रूट वर्ड है कल्प, CULP, कल्प। कल्प मीन्स ब्लेम, अर्थात दोष लगाना, आरोप लगाना। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इंग्लिश वर्ड में कल्प दिख जाए तो समझ जाना है कि वह शब्द दोष या आरोप से संबंधित होगा। जैसे हमारा पहला वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल में कल्प लगा है, मतलब यह भी शब्द दोष से संबंधित है। तो कल्पेबल में कल्प है, कल्प मीन्स दोष, एबल, एबल मीन्स योग्य, दोष के योग्य। तो सोचिए, जो व्यक्ति दोष के योग्य होगा तो उसको हम दोषी ही ना बोलेंगे। इसलिए याद रखेंगे, कल्पेबल मीन्स होता है दोषी, अर्थात गिल्टी। तो कल्पेबल मीन्स गिल्टी, मतलब दोषी। हमारा अगला वर्ड है कल्प्रिट। कल्प्रिट में कल्प लगा हुआ है, CULP, कल्प, और यह वर्ड नाउन है, व्यक्ति को डिनोट करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो दोषी है, तो जो दोष करता है, मतलब जो अपराध करता है, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपराधी बोलेंगे। तो याद रहे, कल्प्रिट मीन्स होता है क्रिमिनल, अपराधी। नहीं तो कल्प्रिट में ये जो कल्प है, कल्प मीन्स होता है दोषी, है ना, या दोष, और यह नाउन है। तो ऐसा व्यक्ति जो दोष करता है, मतलब गलत करता है, अर्थात जो एक तरह से अपराध करता है, तो कल्प्रिट मीन्स क्रिमिनल हो जाएगा, अपराधी। हमारा अगला वर्ड है एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट में देखिए कल्प है, मतलब यह शब्द भी दोष या आरोप से संबंधित है। एक्सकल्पेट में देखिए एक्स है, कल्प है। एक्स मीन्स होता है आउट फ्रॉम, से निकलना। तो एक्स मतलब आउट फ्रॉम, से निकलना, और कल्प मतलब क्या है, दोष या आरोप। तो दोष या आरोप से बाहर निकलना, अर्थात दोष मुक्त करना या दोष मुक्त होना। एक्सकल्पेट का मतलब ही होता है, है ना, आउट फ्रॉम गिल्टी या फ्री फ्रॉम गिल्टी, मतलब दोष मुक्त होना या दोष मुक्त करना। ठीक है, अगला वर्ड देखिए इनकल्पेट है। इनकल्पेट में देखिए कल्प है, CULP, मतलब यह भी शब्द आरोप से संबंधित है, लेकिन इसमें इन लगा हुआ। इन मीन्स होता है अंदर आना। तो मतलब कल्प मतलब दोष या आरोप हो गया, इन मतलब आना, दोष या आरोप के अंतर्गत आना, नहीं अर्थात दोषी ठहरना। तो इनकल्पेट का मतलब होता है दोषी ठहराना। क्या होता है, दोषी ठहराना होता है, है ना, टू ब्लेम बोल सकते हैं, आरोप लगाना, दोष, है ना, दोष, दोषी ठहराना। तो याद रखेंगे, जिस भी वर्ड में कल्प रहेगा वो वर्ड दोष या आरोप से संबंधित होगा। कल्पेबल मतलब दोषी के योग, अर्थात दोषी, गिल्टी हो जाएगा। कल्प्रिट मतलब अपराधी हो जाता है, नहीं, और एक्सकल्पेट मतलब होता है दोष मुक्त करना, इनकल्पेट मतलब होता है दोषी ठहराना। आई होप समझ में आया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड।